खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से है, जहां भारी बारिश के चलते पोखरी से हरिशंकर रौता जाने वाली सड़क पिछले एक महीने से बंद है, जिससे 25 गांव का संपर्क टूट चुका है और ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बंद होने के कारण घर जाने के लिए उन्हें 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि यदि पोखरी पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को नहीं खोला गया तो वो तहसील कार्यालय और पीडब्ल्यूडी का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। चमोली से नीरज कंडावी की रिपोर्ट। मोटर मार्ग एक महीना से बंद चल रहा है और इसमें 25-26 गांव आते हैं और लोगों को दुख बीमारी में, प्रसवकालीन में और कई मामलों में बहुत परेशानी हो रही है। नीचे 32 किलोमीटर लोगों को पैदल सीमाओं से गोली होके आने पड़ रहा है, जिसमें वो मार्ग भी जो है गाड़ी जाने लायक नहीं है। उसको पर भी डिपार्टमेंट जो है चुप्पी सारी है, पीडब्ल्यूडी पोखरी की रोड है। कई बार क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डिपार्टमेंट को सूचना भी दे दी, उसके बाद वो जो है निष्क्रिय पड़े हैं और वहाँ की जनता चाह रही है अगर डिपार्टमेंट काम नहीं करता तो वो 5 दिन बाद यहाँ पर तहसील और लोक निर्माण विभाग में धरना प्रदर्शन अनशन पर जारी रहेंगे। मैं एक लाठी वाला आदमी, बहुत परेशान हूँ। मैं परेशानी रहते मेरे जैसे कई हूँ, अपंग होंगे और बीमार लोग हैं उस क्षेत्र के लोग। उड़ामड़ा से जो है 32 किलोमीटर पड़ता है, 32 से 30 किलोमीटर पड़ता है और आने जाने में बड़ी दिक्कत है। वो भी रोड सही नहीं है और इधर की रोड बिल्कुल बंद है।